सब्सक्राइब कीजिए अल मुस्तफ़ा बयान्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बयान सबसे पहले सुनने के लिए। अजीब मामला चल रहा है इस वक्त दुनिया का मेरे अजीजों, बुरा ना मानना नौजवानों, बुरा ना मानना। क्या मामला है? दो चीजें बड़ी आसान हो गई, एक फतवा एक नुस्खा, एक फतवा एक नुस्खा। कोई बीमार जाकर बैठा, फौरन बताना शुरू, फौरन इलाज बताना शुरू, और जब फौरन फतवा देना शुरू, नहीं नहीं ये साहब जायज ही। अजीब मामले, फोन आता है, हेलो साहब वो गुम्मद खिजरा का साया है कि नहीं? क्यों लग गई है मेरी, मेरी लग गई है, जल्दी से बताइए। मैंने कहा होश में हो कि नहीं, दिमाग खराब है? हम पटियों पर बैठकर शर्तें लगाते हैं और उलामा से फतवा पूछते हैं, शर्म नहीं आती हमें? तुम्हारे गुलाम है उलामा, छूटियां सीधी करो जाकर, तब उलामा तुम्हें कोई बात बताए। ये तो आसानी दी गई है कि उलामा बेचारे तुम्हें फतवा बता रहे हैं मोबाइल पर, कहीं दुनिया में फतवा नहीं बताया जाता है। होश में नहीं बिल्कुल, उम्मत का मिजाज बिगड़ गया, उलमा ने नरमी दिखाई, उम्मत बेकाबू हो गई। एक मसला पूछना है, जाओ बैठो। मौलाना एक मसला है, मैं इसलिए आया हूं, और फोन करो, नहीं मैसेज करो, मैसेज करो, मौलाना मैं आपसे मिलना चाहता हूं। हम तो समझते मौलाना बाप के नौकर है मेरे, गुलाम है, जो 24 घंटे हाजिर है। 2 बजे रात में पूछते हैं कब्र में मिट्टी कैसे रखे, 2 बजे रात में फोन कर रहे हैं, 12 बजे कर रहे हैं, 1 बजे कर रहे हैं। अजीब मामला हो, 12 बजे तक बैठे हैं पटियों पर और बैठकर इधर की उधर की कुछ मसला फंस गया, मौलाना को मिला, मौलाना फौरन बताएंगे। एक से नहीं 10 से पूछेंगे, 12 से पूछेंगे। एक बात कहीं मेरे मतलब की मौलाना बता दे, मौलाना बड़े अच्छे हैं सत्तार साहब, मेरे मतलब की बताई, मैं शर्त जीत गए। होश में आओ, उलमा की कदर करो इससे पहले कि जमीन में धसा दिया जाए, गिरा दिए जाए ये इतनी ऊंची ऊंची इमारतें गिरे। उलमा नबियों के वारिस हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये बाप के नौकर नहीं है, ये नबी के वारिस हैं, इनसे पूछना है, टाइम लो, सहूलत है, पूरी बात बता सकते हो तो बताकर पूछ लो। ये है तरीका प्यार से बताने का, प्यार से पूछने का।